अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास वन की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर थ्री में ऑर्डर ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स एंड मिसिंग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस क्लास में हम नंबर वन फॉरवर्ड काउंटिंग, नंबर टू बैकवर्ड काउंटिंग, नंबर थ्री मिसिंग नंबर्स, नंबर फोर कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स, नंबर फाइव कंपेयरिंग नंबर्स, नंबर सिक्स ऑर्डरिंग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। चले बच्चों, अब हम एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए पढ़ते हैं। One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Again. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Again. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Again. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. और अब हम अपनी किताब की मशक को देखते हैं। उल्टी गिनती, ऊपर से शुरू करें, चीजों की तादाद गिनें और डब्बे में नंबर लिखें। नौ, आठ, सात,
छः, पाँच, चार, तीन, दो और एक। और अब हम किताब में पिछला, अगला और दरमियान वाले नंबर के बारे में पढ़ेंगे। दी गई खाली जगह पर अगला नंबर लिखें। दो, तीन, चार, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, पाँच, छः, सात। दी गई खाली जगह पर पिछला नंबर लिखें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः, सात, आठ, तीन, चार, पाँच। दी गई खाली जगह पर दरमियान वाला नंबर लिखें। सात, आठ, नौ, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, पाँच, छः, सात। चलिए बच्चों, अब हम कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। चीज़ों का मवाजना। जिस डब्बे में ज़्यादा चीज़ें हैं उसके गिर्द दायरा लगाएं। नंबरों का मवाजना। बड़े नंबर के गिर्द दायरा लगाएं। पाँच, नौ, छः, नौ, पाँच, चार, नौ, सात, आठ। छोटे नंबरों के गिर्द दायरा लगाएं। एक, चार, दो, चार, दो, तीन, सात, छः, सात। अब हम अपनी किताब में ऑर्डरिंग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबरों की तरतीब। सीधी गिनती करते हुए नंबर लिखें। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। उल्टी गिनती करते हुए नंबर लिखें। नौ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो। नंबरों की तरतीब। दिए गए नंबरों को छोटे से बड़े में तरतीब दें। एक, तीन, पाँच, पाँच, छः, नौ, दो, चार, सात। दिए गए नंबरों को बड़े से छोटे में तरतीब दें। चार, दो, एक, नौ, आठ, तीन, सात, छः, पाँच। चलें बच्चों, अब तक हमने जो भी किताब की मशक में पढ़ा है उसका जायज़ा लेते हैं। सीधी गिनती करें और खाली जगह पुर करें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। उल्टी गिनती करें और खाली जगह पुर करें। पाँच, चार, तीन, दो, एक, आठ, सात, छः, पाँच, चार, खाली जगह पुर करें। पिछला नंबर चार, पाँच, छः, सात, दरमियान वाला नंबर तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, अगला नंबर छः, सात, आठ, नौ। उम्मीद है कि बच्चों आप सबको इस सबक में ऑर्डर ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स एंड मिसिंग नंबर्स में फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, मिसिंग नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कंपेयरिंग नंबर्स और ऑर्डरिंग नंबर्स के बारे में सही से समझ आ गई होगी। इसको मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए आप ख़ुद भी इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।